था सुबह सुबह, और ये सुरंग की सब्जी जो कि एकदम चिकन की तरह दिख रही है, देख सकते हो। आप लोगों को चिकन ही लग रहा होगा, क्या पता, लेकिन चिकन नहीं है। प्रतापपुर से हम लोगों को और अभी आगे जाना है, कम से कम 25 किलोमीटर आगे और जाना है, जो कि बलरामपुर रोड में, जो कि देख सकते हो। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं भाई जगह पर, बस थोड़ा सा आगे में जाके खाली करना है, जो कि देख सकते हो सामने में भाई बहुत ही बड़ा पहाड़ है दोस्तों। भाई दोस्तों हम लोग अंडा भुजी करी बन गया है, अभी जा रहा है इसमें धनिया। बहुत ही बढ़िया बना है दोस्तों हम लोगों का अंडा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत करता है आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों इस समय भाई अपन आ चुके हैं अभी मोरगा, तो यहीं पे रुके हुए हैं, अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि देख सकते हो बहुत ही बढ़िया जंगल वगैरह है। और सुबह के दोस्तों 9 बज चुके हैं, अजीत भाई ने गाड़ी कल रात को कुछ ज़्यादा ही चला दी थी, इसके वजह से हम लोग भाई अभी तक अंबिकापुर नहीं पहुँचे हैं। और बाकी गैस वगैरह भी हम लोगों को भरवाना है, क्योंकि गैस वगैरह जो है भाई पूरा ख़त्म हो चुका है। तो खाना पीना हम लोग भाई स्टार्ट करेंगे भाई गाड़ी में बनाना, और ऐसे भी तो बना ही रहे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैस ख़त्म हो गया तो गैस उस भरवा के उसके बाद में निकलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं अभी, यहाँ से हम लोगों का सफ़र बचा हुआ है, करीबन होगा यहाँ से कम 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के आसपास और सफ़र होगा। क्या करें भाई, लोकल लोडिंग अभी हुई है, क्या ही बोला जाए, हमारी भाई होने वाली थी, क्या नाम है इसका, मालदा वेस्ट बंगाल की लोडिंग, लेकिन कैंसिल हो गई, बात यह है। तो दोस्तों यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं भाई आगे में, गैस वगैरह भरवाते हैं और खाना पीना का सिस्टम भी देखते हैं आज गाड़ी उड़ी को खाली करके। और हमारे तरफ दोस्तों आज मनाया जाता है, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला त्यौहार है, जो कि छेरछेरा पुन्नी, जो कि छेरछेरा ये कुछ मतलब अलग टाइप का है, जो घर घर जाके, मतलब ना जो हमारे छत्तीसगढ़ से भाई लोगों को, उन लोगों को तो पता ही है, जो बाहर से देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, घर घर में जैसे गड़वा बाजा होता है वो सब बजाते हैं, उसके बाद में धान जो होता है, धान का क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा हर घर से लिया जाता है। तो इस तरीके से पहला त्यौहार हमारे लोग का यही है भाई, छेरछेरा पुन्नी। तो आप लोगों को मेरी तरफ से छेरछेरा की हार्दिक शुभकामनाएँ, आपके परिवार को और आपको, ठीक है दोस्तों। तो निकलते अभी यहाँ से भाई, कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहो। दोस्तों अभी रुके हुए नाश्ता वास्ता करने के लिए, जो कि देख सकते हो मम्मी ने पराठा भाई पैक कर दिया था हमारे लिए नाश्ता के लिए। तो यही दोस्तों हम लोगों का आज नाश्ता चलेगा, पराठा सुबह सुबह, और ये सुरंग की सब्जी जो कि एकदम चिकन की तरह दिख रही है, देख सकते हो। आप लोगों को चिकन ही लग रहा होगा, क्या पता, लेकिन चिकन नहीं है। लेकिन बना है चिकन की तरह, यहाँ से 100 किलोमीटर और बचा हुआ है हम लोगों को भाई, पहुँचेंगे दोपहर तक पहुँचेंगे। और कल तो ऐसे ही 26 जनवरी, अगर आज खाली नहीं हो पाएगी तो कल भी खाली नहीं हो पाएगी भाई, लेकिन आज खाली करना है कोई सी भी कंडीशन में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी कर रहे हैं भाई हम लोग नाश्ता, देख सकते हो।
दोस्तों अभी हम लोग अंबिकापुर पहुंच गए भाई और अंबिकापुर पार कर लिए हैं। यहाँ से प्रतापपुर अपना बचा हुआ है 40 किलोमीटर और, फिर देखते हैं दोस्तों कहाँ पर कैसा जगह पे खाली होता है भाई अपना गाड़ी। बाकी नाश्ता वगैरह तो बढ़िया हो गया है, बस खाना पीना का टेंशन है जो कि देखेंगे भाई। गैस वगैरह भी हम लोगों ने भरवाया नहीं है, जल्दी खाली कर लेंगे इसकी वजह से सोच रहे हैं। अब देखते हैं चलते हैं, फिर उसके बाद पता चलेगा भाई। तो दोस्तों एक तो जंगल में भाई बढ़िया रुके हुए हैं, देख सकते हो अच्छा लगा तो यहीं पे हम लोग भाई गाड़ी को साइड लगा दिए हैं और बाकी जंगल चेक कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया है, एकदम घना घना जंगल है और देख सकते हो हमारी गाड़ी सामने में लगी हुई है। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर और है बस, तो निकलते हैं दोस्तों यहाँ से भाई। यहीं पर रुके हुए थे, कितना बढ़िया लग रहा है भाई, एकदम मज़ा आ रहा है यहाँ पर। चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं, गाड़ी को जंगल में खड़ा करना भी थोड़ा अच्छी बात नहीं है, ठीक है निकलते हैं अभी। ऑलमोस्ट दोस्तों जगह पर भाई पहुंच गए हैं और गाड़ी भी हम लोग की भी खाली हो रही है। ये देखो यहाँ पर एरिया चेक करो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई। तो लास्ट वाली लाइन और बची हुई दोस्तों हम लोगों की भाई, ये देखो लगे हुए हैं पहलवान लोग खाली करने के लिए। और अजीत भाई क्या कर रहे हो? अजीत भाई फुल खिला दिया, हालत खराब हो गया था दोस्तों इसका, जब ये गाड़ी बैक किए ना हम तो ये बेचारा इधर 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 बीच में घुस गया था। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों का गाड़ी खाली हो चुका है और देख सकते हो कैसे रास्ते में आए थे, पूरा एकदम ऑफ रोड है दोस्तों, पूरा पूरा बहुत ही खतरनाक रास्ता है दोस्तों। धीरे धीरे लेके आए भाई, क्या ही बोला जाए भाई, मतलब कुछ बोला नहीं जा सकता, फिर भी बोल रहा हूँ मैं भाई आप लोगों के लिए। इधर देख सकते हो रास्ता है ही नहीं भाई, रास्ता है ही नहीं, देख रहे हो कैसे बीच से दरार पड़ गया है। उस दरार में मत चला जाए, चक्का मेरे के ये डर लग रहा है मेरे को। देख सकते हो दोस्तों बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब कुछ नहीं बोला जा सकता भाई, मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, अब बोलूंगा ही नहीं मैं, रास्ता है ही नहीं रास्ता इधर भाई, धीरे धीरे जाना पड़ रहा है हम लोगों को, कहीं उतर ना जाए भाई खाई में। तो दोस्तों अंबिकापुर से भाई 50 किलोमीटर
आके भाई एक पेट्रोल पंप के पास रुके हुए हैं और यहीं पे बना रहे हैं दोस्तों अपना खाना, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे अभी आटा गूंद रहे हैं भाई। और यहाँ पे देख सकते हो अंडा ले लिए, 6 अंडे हैं, इनकी भुजी तरी बनेगा भाई। और इन सबको भाई पीछे ले लिए थे अंबिकापुर में, टमाटर प्याज मिर्ची सब, ये कुछ नहीं था दोस्तों, ये सब ले लिए थे। और अभी भाई खाना बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं भाई 9 और हम लोगों का रोटी भाई फाइनली पूरा बन के रेडी हो चुका है, जो कि देख सकते हो आज थोड़ा मोटा रोटी बन रहा है दोस्तों, 1020 का रोटी बन रहा है, क्योंकि भाई हम लोगों का लोडिंग भी आ चुका है और लेट भी हो रहे हैं। तो मैं बोला अजीत भाई को, भाई मोटा मोटा बेल दे कुछ इस तरीके से, पराठा टाइप का ही बना देते हैं ऐसे कह के। तो ये देख सकते हो 1020 की रोटी हम लोगों की बन गई है भाई, बढ़िया से पराठा। और अभी उधर अजीत भाई तैयारी कर रहे हैं अपना, भाई क्या कहते हैं अंडा भुजी तैयारी, मसाला उसके लिए पूरा वैरायटी उसका तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर अब हम लोगों का भाई 1020 का पराठा बन रहा है भाई गर्मा गर्म, जो दो रोटी खाए भाई पेट ही भर जाए उसका सीधा एक ही बार में। शॉर्टकट तरीका ही है बनाने का। फिर हम लोग आराम से भाई पतला पतला रोटी बना रहे थे, फिर फोन आया तो बोलता है जल्दी आना कल लोडिंग है। मैं बोला ठीक है भाई, अब आटा मार ही लिए हैं तो क्या कर सकते हैं। तो भाई फटाफट बना रहे हैं, देख सकते हो इसको बना के भाई तुरंत सब्जी की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों रोटी बन के भाई रेडी हो चुका है और यहाँ पर देखते हो अंडा फोड़ रहे भाई अब इसको भुजिया बनाने के लिए। अंडा फ्राई हो चुका है, अभी जा रहा है इसमें जीरा। तो तीनों वैरायटी भाई अभी डाल देते हैं। तो बढ़िया से इसको फ्राई करते हैं दोस्तों, वगैरह देख सकते हो दोस्तों अच्छी तरीके से जल गया है। तभी जा रहा है इसमें टमाटर भाई। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रेवी अच्छी तरीके से लाल हो गया है भाई, अभी जाएगा इसमें अंडा भाई। अब इसको बढ़िया तरीके से मिक्स करते हैं, थोड़ा बहुत पानी डालते हैं अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से। उसके बाद में खा के दोस्तों निकलते हैं भाई। भाई दोस्तों हम लोग अंडा भुजी तरी बन गया है, अभी जा रहा है इसमें धनिया। फाइनल दोस्तों हम लोगों का खाना निकल चुका है, देख सकते हो यहाँ पर अंडा भुजी तरी और ये देख सकते हो यहाँ पर रोटी 1020 वाली। खाते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बना है दोस्तों हम लोगों का अंडा भुजी तरी, बाकी रोटी भी ठीक ही ठाक है। क्या करें आज जल्दीबाजी में थोड़ा मोटा रोटी बनाना पड़ गया हम लोगों को। तो खा लेते हैं दोस्तों अपन भी भाई और निकलते हैं भाई फटाक से यहाँ से। दोस्तों खाना पीना खा के भाई निकल चुके हैं हम लोग और रात के करीबन बज चुके हैं भाई 10 और
और पहुंचने वाले हैं अभी हम लोग चोटिया टोल प्लाजा, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, फिर वहां से सीधा सीधा निकल जाएंगे दोस्तों रायपुर के लिए भाई, है ना। और मौसम भी इधर भाई ठंडा हो गया है एकदम, पूरा खांच वगैरह हम लोगों ने लगा दिया है और बढ़िया ठंडा ठंडा भाई चल रहे हैं। देखते हैं 12-1 बजे तक चलेगी दोस्तों गाड़ी, उसके बाद आराम वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद सुबह सुबह सफर काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठंडे का मौसम है तो धूप वगैरह जो कोहरा वगैरह है ना थोड़ा जम जाता है, इसकी वजह से हम लोग भाई आराम आराम करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग भी एंड करते यहीं पर ही, ब्लॉग पसंद आएगा तो भाई लाइक कर देना एंड नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय दोस्तों।